नमस्कार दोस्तों, अगर आप ब्रांच के अंदर एसबीआई ब्रांच के अंदर अगर ईमेल आईडी अपडेट या एडअप करवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वो किस तरीके से भरना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। आपके पास आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए जब भी आप ब्रांच विजिट करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए लाइव डेमो देखते हैं कि हमें ईमेल आईडी का किस तरीके से ये फॉर्म भरना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल अपडेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एसबीआई की ब्रांच में जाना होगा, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लाके उसको फिलअप करके उसको बैंक में जाके सबमिट करवाना होगा या जमा करवाना होगा। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आपको देखा होगा कि यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको डेट उसी दिन की लिखनी है जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करवाए, तो मैं आज की डेट लिख देता हूँ। उसके बाद आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो भी आपको यहाँ लिख देना है। आपके नाम लिखने के बाद आपके आपको यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर भी आपको लिखने हैं, तो मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ आपके मेरे। उसके बाद आपके पैन नंबर वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं पैन नंबर भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपका पता और एड्रेस, जो भी आपका पता या एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। और आपका पता लिखने के बाद आपको अपने अकाउंट से जुड़े हुए मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद आपके आधार नंबर वो भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद जैसे कि आपको अपना ईमेल अपडेट करवाना है तो यहाँ पर आपको ये टिक करके अपना ईमेल यहाँ पर उतारना है, तो मैं अपना ईमेल उतार देता हूँ। उतारने के बाद यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने के बाद आपको ये आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन दोनों की फोटो कॉपी आपको इसके पीछे लगानी है, और ये फॉर्म जब फिलअप हो जाए तो आपको इसको बैंक में जाके सबमिट करवाना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।